हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे हम अनबॉक्सिंग एक गेमिंग मिस्ट्री बॉक्स की। मैं जो पिछली वीडियो थी वो भी एक गेमिंग मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग थी, और आज भी हम गेमिंग मिस्ट्री बॉक्स की ही अनबॉक्सिंग करेंगे। पिछली जो अनबॉक्सिंग थी उसके अंदर से 10 सीडीज़ निकली थी और एक फिजिट स्पिनर निकला था, जो एवरेज आंसर था वो यही था कि ये जो है 300 से ज़्यादा की नहीं है। और जो मिस्ट्री बॉक्स की प्राइस थी मैं बताना भूल गया था, 819 रुपीज़ मिस्ट्री बॉक्स की प्राइस थी, और एवरेज आंसर ये था कि 300 रुपीज़ की ये सीडीज़ हैं। और इनमें से GTA 5, फोर्टनाइट और जो थी पबजी, वो तीनों सीडीज़ फेक थी। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा है कि ये तीनों सीडीज़ फेक हैं, फोर्टनाइट की भी फेक है, पबजी की भी, और GTA 5 की जो असल सीडी 2500 की मिलती है, तो ये तीनों सीडीज़ फेक हैं। अभी मैंने इनको अभी तक टेस्ट आउट नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द इन पर मैं सब सीडीज़ को टेस्ट आउट करूँगा, इनका रिव्यू बनाऊँगा इकट्ठा। तो गेमिंग मिस्ट्री बॉक्स में से ये 10 सीडीज़ निकली थी और एक फिजिट स्पिनर। अगर आपने पिछली वीडियो चेक नहीं की मिस्ट्री बॉक्स की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर चेक करिएगा। अब हम इस मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, और इसकी जो प्राइस है वो है 1289 इसकी प्राइस है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और 1000 से ज़्यादा का है। देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये भी गेमिंग का मिस्ट्री बॉक्स है, तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे करते हैं जी अनबॉक्सिंग। ये हमारा अनबॉक्सिंग नाइफ है, तो ये सबसे पहले तो हमें पेपर वर्क देखने को मिला है, और इसके अंदर एक जो है सेलर ने चिट बना के लिखी हुई है, HP वायरलेस माउस 600 रुपीज़, डेल वायरलेस माउस 500 रुपीज़, माउस पैड 80 रुपीज़, साउंड कार्ड 200 रुपीज़, 7 पोर्ट USB हब 500 रुपीज़, 1880 रुपीज़, डिस्काउंट 630, 1250 ओनली, थैंक्स फॉर शॉपिंग फ्रॉम अस। तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी जो उसने प्राइसेस हैं वो लगा के भेजी हैं। और इसके अंदर जो है ये दो बड़े बड़े से पैकेजेस हैं। जब मैंने पहली दफ़ा पकड़ा था तो मुझे लगा था शायद इसके अंदर ट्राईपॉड होगा, लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले तो सबसे ये हमें जो है माउस पैड मिल जाता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो ये माउस पैड है, अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ये माउस पैड मैंने 2 दफ़ा अनबॉक्स किया, 80 रुपीज़ इसकी प्राइस है। 2 दफ़ा ही माउस पैड मैंने अपने चैनल पर अनबॉक्स किया हुआ है, तो ये ब्लैक कलर में है, मैंने 2 दफ़ा अनबॉक्स किया था, वो ब्लू कलर में था। तो सबसे पहले ये चीज़ है, अभी हम ओपन करते हैं जी इस वाले बॉक्स को। तो यहाँ से ये ओपन हो गया, और ये ऊपर एक गत्ते का बॉक्स चढ़ा हुआ है, और इसके अंदर हमें एक वायरलेस माउस देखने को मिल जाता है। ये जैसे कि आप देखते हैं इसका 2.4 GHz वायरलेस माउस है। ये ओपन करते हैं इसको। सो यार ये माउस की पैकिंग है, काफ़ी अच्छा पैक किया गया है ये माउस, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा माउस है, ठीक है, इसके साथ एक छोटी सी USB हमें देखने को मिलती है, ये जिसको आप अपनी डिवाइस के अंदर कनेक्ट करेंगे और फिर ये माउस काम करेगा। माउस के अंदर जो है आपको 2 छोटी बैटरीज चाहिए ऑन करने के लिए माउस को, और आप जो ये है इसका USB रिसीवर, आप इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं, आप आराम से जो है इसको कैरी करके लेके जा सकते हो। ऊपर की तरफ एक बटन है, ऊपर जो होता है टिपिकल माउस उसके 2 बटन हैं, और ये स्क्रॉल करने वाला है, और साइड पे कुछ एक्स्ट्रा बटन्स हैं, ये मैंने पहली दफ़ा देखे हैं, ये गेमिंग माउस के कुछ टाइप के होते हैं, साइड पे ये बटन हैं क्लिक करने के लिए। और यहाँ पे ये है जी दूसरा पैकेज, इसको अब हम अनबॉक्स करते हैं। सो ये देख सकते हैं इसके अंदर से ये 3 चीज़ें निकली हैं। पहला है जी 7 पोर्ट USB, अब ये भी मैंने अनबॉक्स किया हुआ है चैनल पे बहुत पहले का, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं पहले बाय कर चुका हूँ दराज और पीके से ही। अगर आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा। तो दोस्तों ये है 7 पोर्ट USB, आप इसके अंदर आप जो है 7 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, और आगे चार्जिंग लगा के आपकी 7 डिवाइसेस जो हैं एट अ टाइम पे चार्ज होंगी। ये वाइट कलर पे है, वाइट कलर में है, मैंने 4 पोर्ट USB हब अनबॉक्स किया था चैनल पे, लेकिन ये जो है 7 पोर्ट वाला है। और इसकी प्राइस क्या है अभी हम सारी चेक करते हैं। आगे जो है हमें ये डेल का माउस मिल जाता है, तो जो पहले वाला माउस था ये वाला, ये माउस जो है HP का था, ठीक है, HP ऊपर लोगो बना हुआ है, और ये जो है डेल का माउस है। सो ये आप देते हैं, ये डेल का माउस है, सेम ही लुक है तकरीबन, कलर भी दोनों का सेम है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ये जो HP वाले का थोड़ा सा डार्क है और डेल वाले का थोड़ा सा लाइट कलर है,
ठीक है। और डेल वाले की लुक जो है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसे आप स्मूथ अपने हाथ में पकड़ सकते हो। और वही सेम रिसीवर इसका नीचे वाली साइड पर लगा हुआ है, यहाँ से नीचे से आप निकाल सकते हो। और दो आपको जो छोटी बैटरीज हैं वो लगानी पड़ेंगी। अब जो ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे, ये चीज़ भी मैं अपने चैनल पे पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ, साउंड कार्ड, ये भी मैंने अपने चैनल पे अनबॉक्स की हुई है, इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अभी मेरे पास ये चीज़ जो है सेम ये पड़ी भी हुई है, यहाँ पे आप देखते हो ये है जी कार्ड, साउंड कार्ड। पता नहीं ये मैंने बहुत टाइम पहले अनबॉक्स किया था, मुझे समझ नहीं थी आई किस चीज़ के लिए एक्चुअली होता है, तो किसी को पता है कमेंट सेक्शन में तो मुझे ज़रूर बताना। ये साउंड कार्ड है, तो यार ये गेमिंग के मिस्ट्री बॉक्स में से निकला है। टू माउस मिले हैं, एक ये साउंड कार्ड मिला है और एक जो है ये माउस पैड मिला है। तो ये जो है चार चीज़ें हैं, अभी हम इनकी प्राइसेस चेक करते हैं कि ये क्या क्या इनकी कॉस्ट है अगर आप इनको सेपरेट बाय करते हैं। और ये पाँचवीं, ये सेवन फोर्ट है, मतलब कि पाँच चीज़ें टोटल निकली हैं। यार काफ़ी देर सर्च करने के बाद मुझे द्रास पर जो है सबसे लोएस्ट प्राइस में 285 रुपीज़ का मिला है, लेकिन ये उस तरह की लुक नहीं है जिस तरह की ये पिक्चर में है। 285 रुपीज़ की इसकी प्राइस है, लेकिन लुक थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने गूगल पर सर्च किया तो लुक सेम नहीं आती, लेकिन मॉडल जो है वो सारा सेम होता है। और 800 या 710 या 600 डिफरेंट प्राइसेस में जो है गूगल पे ये दराज और पीके पे अवेलेबल है। और जब जो दराज पीके का ऐप है इसके अंदर सर्च किया था 285 में, सेम नहीं है लेकिन इसी तरह का मिलता जुलता 285 रुपीज़ में मिल रहा है। तो इसकी प्राइस जो है कंफर्म नहीं हो पाई, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अभी हम इसकी प्राइस 285 रुपीज़ ही कंसीडर करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसकी क्या प्राइस लगती है। तो यार अगली जो चीज़ है वो HP का माउस है वायरलेस, उसकी प्राइस मैंने निकाल रही है। सबसे जो लो प्राइस में है वो है 275। सेम लुक का कलर से डिफरेंट है, ब्लू है, ये ब्राउन टाइप का कलर है इसका, सिल्वर टाइप का। तो 275 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कम से कम आपको प्राइस में दराज रुपी पर मिल सकता है वो 275 रुपीज़ है। ये HP का माउस है। तो यार ये साउंड कार्ड की भी प्राइस मैंने निकाल ली है, 137 रुपीज़ इसकी प्राइस है। 140 रुपये का ये साउंड कार्ड आपको मिल जाएगा मार्केट से भी, और हो सकता है होलसेल मार्केट से आपको ज़्यादा सस्ता मिल जाए, लेकिन दराज और पीके पे 140 रुपीज़ का ही आपको कम से कम प्राइस में मिल रहा है ये साउंड कार्ड। तो अब हम आगे सर्च कर लेते हैं माउस इस पैड को कि ये कितने का हमें मिल जाता है दराज और पीके पे। तो यार इस माउस पैड की भी प्राइस आ गई है, 61 रुपीज़ का ही माउस पैड है, कहीं पे 70 का, कहीं पे 80 का, कहीं पे 60 का। जो लोएस्ट प्राइस है वो मुझे 60 मिली है, 60 रुपये का ये माउस पैड है, जबकि वहाँ पे 80 का लिखा हुआ था और वायरलेस माउस जो है 600 के लिखे हुए थे। तो ये जो है 60 का माउस पैड है। अब आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई है जो कि ये 7-port USB हब है। अब इसको भी हम प्राइस की चेक करते हैं कि क्या प्राइस है। सो यार यहाँ पे जो है 7-port USB हब, इसकी भी प्राइस आ चुकी है 300 पीस का ही आपको सबसे लोएस्ट प्राइस में दराज और पीके पे देखने को मिल जाता है। सेम कलर है वाइट कलर का और 2.0 इसके अंदर USB जो है वो लगी हुई है। तो सो फार इन सबको टोटल करें तो 1200 से जो है वो कम ही प्राइस बनती है, तो मतलब के लॉस हो गया जो है। लॉस कितने पैसों का हुआ है वो तो आपको वीडियो के एंड पे पता लग जाएगा। इन सब की जो प्राइस है वो मैं प्लस करके टोटल करके आपको बता दूंगा, यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा कि इन सब की जो टोटल प्राइस है क्या बनी है। तो वीडियो के एंड पे आपको ये सारा जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये सारा आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें लॉस ही हुआ है, और पिछले गेमिंग मिस्ट्री बॉक्स में भी लॉस ही हुआ है। तो इससे सबक यही मिलता है कि मिस्ट्री बॉक्स जो है कभी भी बाय मत करना, ठीक है। एक वीडियो एक और मिस्ट्री बॉक्स की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप समझूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और यार वीडियो को सपोर्ट करना, पिछले दोनों मिस्ट्री बॉक्स में घाटा ही हुआ है, तो सपोर्ट कर दो यार चैनल को, प्लीज़ आओ।